राजस्थान के विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, स्पीकर को बागी विधायकों को कारण बताओ नोटिस भेजने का हक है। स्पीकर सीपी जोशी ने कहा, संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारियां तय की है। स्पीकर होने के नाते मैंने कारण बताओ नोटिस दिया। अगर अथॉरिटी कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करेगी तो उसका काम क्या होगा। राजस्थान में आज 61 नए सांसदों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ, जिसमें कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शपथ ली। इन 61 में से 43 सदस्य पहली बार राज्यसभा पहुंचे हैं। अब सदन में भाजपा सांसद 75 से बढ़कर 86 हो गए हैं। गाजियाबाद में बदमाशों की फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हुए पत्रकार विक्रम जोशी की बुधवार को मौत हो गई। सोमवार रात बदमाशों ने जोशी पर हमला किया था। इस मामले में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पत्रकार जोशी ने अपनी भांजी से छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस को की थी। बदमाशों ने इसी बात का बदला लेने के लिए जोशी पर हमला कर दिया। इस घटना पर राहुल गांधी ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट करते हुए यूपी सरकार को घेरते हुए लिखा, वादा था राम राज्य देने का लेकिन दे दिया गुंडा राज्य। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 11,94,000 के पार हो चुकी है। मंगलवार को लगातार चौथे दिन 35,000 से ज्यादा केस पड़े। वहीं कोरोना से अब तक 28,770 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,50,91,820 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 91,10,150 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,19,410 की मौत हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कोरोना का वैक्सीन पहले लाने के लिए मेरी सरकार चीन समेत किसी भी देश के साथ काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, हम वैक्सीन तैयार करने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, इसके उम्मीद से पहले आने की संभावना है। ईडी ने बुधवार को फर्टिलाइजर स्कैम मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर और फार्म हाउस पर छापा मारा। ईडी की टीम पीपीई किट पहनकर पहुंची, बताया जा रहा है तलाशी अभी जारी है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, डराने धमकाने के लिए ईडी के छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने 20 और 21 जुलाई को इनकम टैक्स और ईडी के साथ हमारी विधायक कृष्णा पुनिया के पास सीबीआई भेज दी। दिल्ली में बैठे हुक्मरानों का ये दबाव डालने का हथकंडा था। भारत ने ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इस मिसाइल को अटैक हेलीकॉप्टर ध्रुव पर तैनात किया जाएगा। क्विक रिस्पांस वाली ये मिसाइल पलक झपकते दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर देगी। मंगलवार शाम अमिताभ बच्चन ने यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा प्राप्त पोलैंड के व्रोक्लाव शहर का एक वीडियो साझा किया, जिसमें यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स उनके बापूजी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की फेमस रचना मधुशाला गाते दिखाई दे रहे हैं। बिग बी की माने तो वे इस वीडियो को देखने के बाद इतने इमोशनल हो गए कि अपने आंसू नहीं रोक पाए। चीन में मुस्लिमों के बाद अब ईसाई समुदाय को यह आदेश दिया गया है कि वे घरों में लगी जीसस क्राइस्ट की फोटोग्राफ और क्रॉस फौरन हटाए और इनकी जगह कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की फोटो लगाए।